ला लिया मोगी, इसे देखो सर। हाँ? ये किसका दिमाग है? ये है एक नायाब होमिनिडे, लोब मेरे 18 साल के एक जापानीज पेशेंट का है। इतनी सारी क्रीजेस, इतने सारे फोल्ड्स, कैसे ये? तो न्यूरो साइंटिस्ट मिस्टर मोगी केंजिरो, देश के सबसे काबिल न्यूरो साइंटिस्ट का इस पर क्या कहना है? हालांकि मैं इस फील्ड में आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक न्यूरो साइंटिस्ट तो हुई। दिमाग के ऊपर मौजूद फोल्ड से इंसान के कैरेक्टर का कोई रिलेशन नहीं होता, सही कहा ना? अगर इसे किसी आम इंसान के दिमाग से कंपेयर करें तो ये एक राक्षस जैसा दिख रहा है। बताइए मिस्टर मोगी, इन फोल्ड्स का इंसान के कैरेक्टर से कोई रिलेशन होता है क्या? सुनो कुरिया, तुम तो जानते हो जब बात दिमाग की हो तो हम कुछ भी दावे के साथ नहीं कह सकते। दिमाग एक ऐसी चीज है कि उसे समझना नामुमकिन है। अब ये दिमाग अलग क्यों है ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है, पर ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मेरा जवाब, अगर मैं इसे एक एक एक्सपर्ट न्यूरो साइंटिस्ट के नजरिए से देखूं तो इन फोल्ड से पता चलता है कि जल्दी बताइए ना कुरिया, इसे देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो इंसान कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है। मोगी, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं समझ पा रहा।